लगभग एक महीने बाद आडवाणी और मोदी एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। सवाल ये उठता है, क्या मोदी और आडवाणी के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं? जूनागढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा में आडवाणी, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच दुआ सलाम से ज्यादा कुछ भी बात नहीं हुई। मंच पर बैठे भी तो राजनाथ सिंह के अगल बगल। गीत गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता का, पसंद बापू की, मौका आडवाणी, मोदी और राजनाथ के एक ही मंच पर आने का। इस तस्वीर को देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की आंखें तरस गई थीं। बीजेपी के नेता इस तस्वीर को देख नजरें जरूर उतार रहे होंगे। मोदी की ताजपोशी और आडवाणी के गोप भवन में जाने के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि तीनों नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। तस्वीरें मोदी के घर यानी गुजरात की हैं। पहले आडवाणी और राजनाथ प्लेन से जूनागढ़ पहुंचे, फिर मोदी आए। दरअसल बीजेपी नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी बना वेन चिखेलिया के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, जहां तीनों नेता पहली बार एक साथ दिखे। तीनों नेताओं ने पहले वना बेनी को श्रद्धांजलि दी, फिर बढ़े मंच की ओर। लेकिन यहां भी आडवाणी मोदी के बीच की कड़वाहट छिपाते छिपाते नजर आ ही गई। आडवाणी और मोदी के बीच राजनाथ सिंह ने बैठकर जता ही दिया कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। काफी देर तक तीनों नेता चुपचाप भजन सुनते रहे, फिर अचानक मोदी ने आडवाणी से दो तीन लफ्ज कहे तो आडवाणी ने भी जवाब दिया। फिर राजनाथ सिंह ने मोदी के कानों में कुछ फुसफुसाया। अब उन्होंने क्या कहा ये मालूम नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक में ये गीत बज रहा था। हालांकि मौका गम का था, शायद इसीलिए यहाँ राजनीति की ज्यादा बातें नहीं हो सकी। पत्रकारों ने भी आडवाणी से राजनीति से जुड़े सवाल नहीं पूछकर उन्हें थोड़ी राहत दे दी। बहुत दुखद घटना है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। मैंने पूछा डॉक्टर चिखलिया से कि भाई कोई का एक बार चेकअप हुआ था, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, लेकिन देखिए भगवान की जो इच्छा। एक महीने से अधिक वक्त तक आडवाणी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे। मोदी और राजनाथ सिंह भी आडवाणी से मिलने दिल्ली गए, लेकिन तस्वीरें बाहर नहीं आ सकी। अब तीनों एक साथ मंच पर दिखे तो, लेकिन करवाहट शायद ही खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।